25 जुलाई से सैन डियागो कॉमिक कॉन शुरू हुआ। बेसिकली ये दुनिया भर के कॉमिक बुक फैंस के लिए साल का सबसे बड़ा इवेंट है। फिल्म स्टूडियोज अपने नए प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, आने वाली सुपर हीरो फिल्मों और सीरीज के ट्रेलर लॉन्च करते हैं। मार्वल ने इन कॉमिक कॉन में ऐसी घोषणा कर डाली है जिसकी उम्मीद MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस को बिल्कुल नहीं थी। आयरन मैन वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फिर से इस यूनिवर्स में वापसी हो रही है। इस खबर से फैंस खुश भी हैं और निराश भी। एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की मौत हो गई थी। इसी किरदार ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी थी। उसकी मौत के बाद फैंस ने खूब थ्योरी चलाई, कहा कि किसी भी तरह से फिर से रॉबर्ट डाउनी को वापस लाना चाहिए, जबकि मार्वल के बॉस केविन फाइगी पहले ही कह चुके थे कि वो उस पल को छेड़ना नहीं चाहते। अगर रॉबर्ट वाले आयरन मैन को वापस लाते हैं तो फैंस को बुरा लगेगा। पूरी फैन सर्विस करते हुए केविन रॉबर्ट डाउनी को वापस ले आए, लेकिन आयरन मैन के रोल में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रोल में। आयरन मैन के ऑपोजिट ये एक विलेन है। केविन फाइगी ने सिर्फ रॉबर्ट डाउनी की वापसी नहीं करवाई, एवेंजर्स सीरीज के लिए एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके रूसो ब्रदर्स भी फिर से मार्वल कैप में लौट रहे हैं। वो एवेंजर्स डूम्सडे नाम की फिल्म बनाने वाले हैं। रॉबर्ट डाउनी का किरदार डॉक्टर डूम इसी फिल्म में नजर आएगा। डूम फैंटास्टिक फोर का विलेन भी है। मार्वल उन पर भी फिल्म बना रहा है। अभी ये पक्का नहीं है कि डाउनी इस फिल्म में नजर आएंगे या फिर नहीं। डाउनी की वापसी की खबर ने इंटरनेट को फोड़ कर रख दिया है, मगर वो फैंस फेवरेट किरदार में नहीं लौट रहे हैं। इस वजह से कट्टर आयरन मैन फैंस इस खबर से खुश नहीं हैं। कुछ लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक ही एक्टर को हीरो और विलेन दोनों कैसे बना दिया। मार्वल पहले ही मल्टीवर्स के दरवाजे खोल चुका है। मुमकिन है कि डाउनी वाला डॉक्टर डूम किसी दूसरे यूनिवर्स का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि रॉबर्ट डाउनी ने ओपेनहाइमर के लिए ऑस्कर जीता था। उसके बाद स्क्वायर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या वो फिर से मार्वल यूनिवर्स में लौटेंगे। उन्होंने जवाब दिया कि वो उसमें आना जरूर चाहेंगे। बाकी उनका कहना था कि आप केविन फाइगी के खिलाफ शर्त नहीं लगा सकते, वो जो चाहते हैं वैसा ही होता है। फाइगी ने अपनी बात रख ली और ह्यू जैकमैन और रॉबर्ट डाउनी जैसे एक्टर्स को फिर से इस यूनिवर्स में ले आए। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी पर आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। आपके लिए खबर को लिखा है मेरे साथी यमन ने। मेरा नाम है विभावरी। एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।